टुडे वी विल स्टार्ट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। प्रीवियस लेक्चर में हम कूरा करे थे एनिमल टिश्यू कूरा इसको टाइप्स को बारे में। अब आज हम स्टार्ट करें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बटा। तो इसमें सिंपल बने को एकदम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इस बंदा पहला हम के पढ़े थे इसको टाइप्स, सिंपल को टाइप्स कितने टाइप्स थियो पाँच। कौन कौन? स्क्वामस, कुबॉइडल, कोलुमनार, स्यूडोस्टेटिफाइड, ग्लैंडुलर। इसको कंपाउंड को कति टाइप थियो दुटा। कौन कौन? ट्रांजिशनल रा स्टेटिफाइड। तो अब हम स्टार्ट कर सम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल हेरा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को स्ट्रक्चर यदि हेरे बने तिमी हेरू ले यदि स्ट्रक्चर हे छो बने स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने पछि एकदम फ्लैट हुन्छ है, एकदम फ्लैट यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हुन्छ ठीक, यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, टिल्ट फ्लैट शेप को हुन्छ, टिल्ट अथवा फ्लैट शेप। ओके यो भयो ठीक छ। अनि यसमा एउटा मेम्ब्रेन हुन्छ बेसमा, त्यसलाई के भन्छन्? कुन मेम्ब्रेन हो त्यो? त्यो कुन मेम्ब्रेन हो? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन ठीक छ। त्यो कुन मेम्ब्रेन हो? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। यसपछि यसको फङ्सन के हुन्छ हेर, यसको फङ्सन के हो? यसको फङ्सन के हो? के हो यसको फङ्सन? एक्सचेन्ज। अर्को के हो? डिफ्यूजन ठीक, एक्सचेंज र डिफ्यूजन। त यसको यो जुन एक्सचेंज र डिफ्यूजन छ नि, यो हाम्रो बॉडीमा कता हुन्छ, कहाँ हुन्छ एक्सचेंज र डिफ्यूजन? त त्यसको लागि हामी एक्जाम्पल लेख्छौँ। यसमा एक्जाम्पल कहाँ कहाँ पाइन्छ यो सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम, त्यसको लागि एउटा याद राख्नु स्मल निमोनिक्स ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ठीक। ए बटा एल्वियोली ऑफ लंग्स ठीक, एल्वियोली ऑफ लंग्स। बी बटा बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल ऑफ किड नेफ्रोन ठीक। अनि सी बटा कैपिलरीज। कैपिलरीज डी बटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। अनि ई बटा इंडोथेलियम। इंडोथेलियम यति ठाउँमा के पाइन्छ? यति ठाउँमा के पाइन्छ हाम्रो? यो एबिसिडी याद राख्नु, ए बटा एल्वियोली अफ लङ्स, बी बटा बोमेन्स क्याप्सुल अफ नेफ्रोन, सी बटा क्यापिलरिज, डी बटा डिसेन्डिङ लुप अफ हेन्डले। कसमा पाइन्छ? नेफ्रोनमा र ई बटा इन्डोथेलियम ठिक। अब अर्को हामीसँग के छ? यो भयो सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम। अब हामी पढ्छौँ कुबॉइडल एपिथेलियम। कुन एपिथेलियम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ओके। कैसी नहीं ला कुबॉइडल एपिथेलियम। यो कुबॉइडल एपिथेलियम लाई हामीले
और को नाम बटा के बटा चिंचम था जा क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाई के बटा चिंचम अलको अल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल कुन एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम। ओके अब इसको स्ट्रक्चर में बनाऊं छु अनिति मेरुले हृदय गरा यो के हो ताला को बेस में जो छा यो इसलिए बनचा हमें बेसमेंट ताला को क्यों हो कुन मेम्ब्रेन हो बेसमेंट मेम्ब्रेन अने यो क्यूब जस्तो छा नहीं ते सही लेस लेके बंचन क्यूबॉइडल एपिथेलियम कुन एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम अने इसलिए जर्मिनल एपिथेलियम बंचन किना बने इसलिए कस्मा लाइन उन्छ यो कस्मा पाइन्छ गोनाड्स में पाइन्छ ते कारण इसलिए के बंचन जर्मिनल एपिथेलियम। ओके अने इसको दुटा टाइप छ कतिवटा टाइप छ दुटा टाइप छ। ओके पहिला हेर फर्स्ट टाइप्स टाइप्स दुटा टाइप छ कुन कुन दुटा टाइप्स हेर फर्स्ट इज सिलिएटेड पहिला म फिगर बनाउँछु त्यसपछि बोलाउँ हेर जस्तै हामीसँग यो के छ इपिथेलियम छ ठिक यसको माथि के छ सिलिया। ओके अनि एउटा अर्को इपिथेलियम यता छ जसको माथि के प्रेजेन्ट छ विलाई यो सिलिया प्रेजेन्ट छ यसमा त्यसै कारणले यसले भन्छौँ सिलिएटेड क्युबोइडल इपिथेलियम क्युबोइडल इपिथेलियम बुझ्यौ अनि यसमा के प्रेजेन्ट छ हामीसँग विलाई विलाई प्रेजेन्ट छ यसले हामीले भन्छौँ ब्रस बर्डर ब्रश जस्तो विलाय हुन्छ नि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाइन्छ सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाइन्छ सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहाँ पाइन्छ स्मॉल ब्रोंकियोल्स में स्मॉल ब्रोंकियोल्स अनि यो ब्रश बॉर्डर कहाँ पाइन्छ पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल कस्मन नेफ्रोन में किडनी को भित्र इसलिए के काम कर फंक्शन के हो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इसको फंक्शन के हो एब्जॉर्प्शन एंड इसको फंक्शन के हो एब्जॉर्प्शन एंड बना इसको फंक्शन के हो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ओके अब आए पछी यो भयो क्यूबॉइडल एपिथेलियम अनि ओवरऑल ओवरऑल इसको एग्जांपल कसरी हामीले लेख्नु पर्छ ओवरऑल एग्जांपल लेख्दाखेरि ओवरऑल एग्जांपल लेख्नको लागि याद राख्नु एट द रेट 2GF मैले दुईवटा जिएफलाई आफ्नो
के अगर ना लगे, पीसीआर कराओ ना लगे, इमिया रूल है महीने नहीं। ओके तो 2GFPCR, पहला जी बटा ग्लैंड, हर को जी बटा जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक चा, निफेरी एफ बटा पॉलिकील, अन्य आरको एफ बटा फेरस। फेरस में कौन कौन दूटा, सेमनी फेरस, आरको के छामी संग बॉडी में यूरिनो फेरस। फेरस आरको पी बटा प्लेक्सस ऑफ कोरोइड, प्लेक्सस ऑफ कोरोइड, आर बटा रेटिना, रेटिना। ठीक सही हो भाई, 2GFR, जी ओटा दुटा, एफ एफ पी अनि आर। ओके यू के भयो क्यूबॉइडल इपिथेलियम, इस पछी हमी पढ़छम कुन इपिथेलियम, कोलुमनार इपिथेलियम, कोलुमनार इपिथेलियम। कोलुमनार एपिथेलियम, इसको स्ट्रक्चर है रहा तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जस्तो कॉलम जस्तो एपिथेलियम हुन्छा, तरह इसको जो न्यूक्लियस छ नि त्यो बेस मा हुन्छा, कहाँ हुन्छा बेस मा। ओके अनि इसको फंक्शन के हो, इसको पनि फंक्शन के हो, एब्जॉर्प्शन रहा सिक्रेशन, इसको फंक्शन के हो एब्जॉर्प्शन रहा सिक्रेशन कोलुमनार एपिथेलियम को। ठीक छ, इसमें हमी तीन चीज पढ़छम, सिंपल कोलुमनार, स्यूडो स्टेटिफाइड कोलुमनार अनि स्टेटिफाइड। स्टेटिफाइड अहिले हामीलाई पढ्नु पर्दैन, मात्र सिंपल र स्यूडो स्टेटिफाइड पढ्छम। ठीक छ, त्यो स्यूडो स्टेटिफाइड अहिले आइहाल्छ, यसपछि स्यूडो स्टेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम, त्यसको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन, मात्र सबभन्दा पहिला हामी सिम्पल पढ्छौँ। सिम्पलमा पनि दुइटा छ, ठिक छ हेर, सिम्पलमा पनि के छ दुइटा छ, सिम्पलमा पनि कतिवटा छ दुइटा, फर्स्ट इज सिलिएटेड एन्ड नेक्स्ट इज नॉन सिलिएटेड, फर्स्ट इज सिलिएटेड, सेकेंड इज नॉन सिलिएटेड। ठीक छ, अनि इसको फंक्शन के हो, फंक्शन लिखियाला, फंक्शन के हो, दुटे को फंक्शन के हो, व्हाट इज द फंक्शन, अहिले मैले भने थिएँ नि इसको पनि फंक्शन को फिल्ट्रेशन र मूवमेंट मा, फिल्ट्रेशन मूवमेंट। यो सिलिएको लागि, सिलिएटेडको लागि एट द रेट याद राख्नु पर्ने चिज के हो, भोट। ठिक, भोट के भेन्ट्रिकल अफ ब्रेन भी बटा, भेन्ट्रिकल अफ ब्रेन ओ बटा ओविडक्ट, टी बटा ट्रेकिया अनि ई बटा ईपीडी डाइमिस। ओके अनि यसको लागि के याद राख्नु पर्छ, एसआई यूनिट गरेर याद राख्नु पर्छ, एसआई
यूनिट, तारा यूनिट को पछाड़ी लाई छोड़ दीने, मात्र यू ला याद रखना ठीक। एस बटा स्टोमक, आई बटा इंटेस्टाइन, यू बटा यूटेरस, यू बटा यूटेरस, यू बटा क्या ऊंचा बना, यू बटा यूटेरस ठीक। एस आई यू भी ओ टी ई भोट, ओके भी ओ टी ई भोट युक्न एपिथेलियम भयो कोलुमनार एपिथेलियम। इस पची यो सिंपल भयो, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। आर को हमी पढ़सम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। यो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मा सिंपल हुन्छ, तर यसमा के हुन्छ सिलिया हुँदैन, सिंपल हुन्छ तर यसमा सिलिया प्रेजेंट हुँदैन। यो कहाँ पाइन्छ, यो कहाँ पाइन्छ अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक, अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पाइन्छ, यस्तो हुन्छ। यस्तो हुन्छ है, यो भयो कहाँ पाइन्छ अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पाइन्छ, ओके कहाँ पाइन्छ अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक। यसपछि हामीसँग के छ ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम, कुन इपिथेलियम ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कुन एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम हेरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम र कोलुमनार एपिथेलियम जब मोडिफाई हुन्छ तब के बन्छ ग्लैंडुलर एपिथेलियम फॉर्म टू मोडिफाइड, ओके। बुझी रहा छो नहीं, लहेरा ग्लैंडुलर एपिथेलियम मैले के भने क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कुन एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कोलुमनार एपिथेलियम, कोलुमनार सेल सॉरी मॉडिफाइड टू फॉर्म के ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन एपिथेलियम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कौन एपिथेलियम ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अच्छा बुझी रहा छो हो। अनि ग्लैंडुलर एपिथेलियम दुटा टाइप्स में क्लासिफाई भएको छ, एउटा क्लासिफाई ऑन द बेसिस अफ नंबर को आधार में अनि अर्को के को आधार में मोड अफ सिक्रेशन को आधार में ठीक। द फर्स्ट इज क्लासिफाई फिकेशन ठीक, क्लासि फिकेशन ए नंबर ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ
नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कुन कुन, ऑन द बेसिस ऑफ दुटा नंबर कुन कुन, एवटा सेल को नंबर यूनिसेलुलर आणि मल्टीसेलुलर। युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलर, युनिसेल्युलर मा ग्लँड्स, सिंगल सेल को ग्लँड, त्यो के हो गोब्लेट सेल, गोब्लेट सेल यो इसको एग्जांपल हो, है इसको एग्जांपल हो। आणि अर्को ग्लँड मल्टीपल सेल, जो मल्टीपल सेल के हो सेलिब्री ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड, ठीक छ यो भयो। आणि एस पछि मोड ऑफ सिक्रेशन को आधार में 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 दुटा छ, कतिवटा छ दुटा छ, एउटा के छ एक्सोक्राइन अनि अर्को हामीसँग के छ एन्डोक्राइन, एउटा के छ एक्सोक्राइन अर्को के छ एन्डोक्राइन, ठीक छ। अनि एक्सोक्राइन भनेको जोसँग डक्ट हुन्छ, दे ह्याभ के हुन्छ डक्ट, दे ह्याभ डक्ट फर सिक्रेसन, ठीक। अनि यसमा डक्टलेस हुन्छ, डक्टलेस ओके, डक्टलेस के ग्ल्यान्ड। यसको इक्जाम्पल यदि तिमीहरूले याद राख्छौ भने यसको इक्जाम्पल के हुन्छ मेमोरी ग्ल्यान्ड, सरी मेरी लेखिरहेको छु म, मेरी मेमोरी ग्ल्यान्ड। अनि यसको इक्जाम्पल के हुन्छ हाइपोथ्यालामस, ठीक छ। यसको इक्जाम्पल के हुन्छ, यसको इक्जाम्पल के हुन्छ हाइपोथ्यालामस, ठीक छ। के हुन्छ यसको इक्जाम्पल हाइपोथ्यालामस, ठीक छ। अनि ओभरअल यसलाई हामीले दुई पार्टमा क्लासिफाई गर्छौँ, एउटा ट्युबुलर अनि अर्को के हुन्छ एल्भियोलर, सरी एल्भियोलर अर्को, या यसलाई हामीले भन्छौँ एसिनर, ठिक ट्युबुलर र एसिनर, फेरि हेर ट्युबुलर र एसिनर यसलाई दुइटैले कम्बाइन गरेर हामी के भन्न पाइन्छ कम्पाउन्ड, कम्पाउन्ड ट्युबुलो एसिनर, ठिक कम्पाउन्ड ट्युबुलो एसिनर। यसलाई कसरी याद गर्ने, यसलाई कसरी याद गर्ने टिएपिपी ताप, हेर ट्युबुलो, ट्युबुलो एसिनर कसमा पाइन्छ पीबाट प्यारोटिड अनि अर्को पीबाट पेङ्क्रियाज, एउटा पीबाट प्यारोटिड अर्को पीबाट पेङ्क्रियाज, ठिक। अनि ओभरअल यसमा हेर्ने यसको कतिवटा टाइप्स छ चारवटा, फर्स्ट इज एकैछिन है, फर्स्ट इज फर्स्ट के छ हामीसँग सिम्पल ट्युबुलर, फर्स्ट इज सिम्पल ट्युबुलर भन, फर्स्ट इज सिम्पल ट्युबुलर, फर्स्ट इज
सिंपल ट्यूबुलर, ठीक छ। अनि अर्को के हो, सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड ट्यूबुलर, एकै छै नै। पहिले म यसलाई राम्ररी लेखिदिन्छु, फेरि ठाउँ छैन यसले, फेरि तिमीहरूले बुझ्दैनौ, फेरि यसलाई पहिला हटाइदिउँ। हेर, एउटा हुन्छ ट्युबुलर, अर्को हुन्छ एल्भियोलर और एसिनर, एल्भियोलर और एसिनर, यो दुटा हुन्छ। अनि यो दुटाको कम्बाइन गरेर एउटा बन्छ कम्पाउन्ड ट्युब्लो एसिनर। यसले याद कसरी राख्ने, ताप गरेर याद राख्ने, जसमा पीवटा पेरोटिड र अर्को पीवटा पेङ्क्रियास। त्यो अहिले भिडियोलाई तिमी ब्याक गरेर रिभर्स गरेर हेर्न सक्छौ फेरि, त्यसले म केही डाउट छैन। हेर, यसको टाइप्समा पहिला हुन्छ सिम्पल ट्युबुलरको है, सिम्पल ट्युबुलर, ओके। यो कहाँ पाइन्छ, क्रिप्ट्स अफ, कहाँ पाइन्छ, क्रिप्ट्स अफ लुबर क्विन्स। अर्को छ हामीसँग सिम्पल क्वाइल्ड, सिम्पल क्वाइल्ड ट्युबुलर, ओके, सिम्पल क्वाइल्ड ट्युबुलर। यसलाई कहाँ पाइन्छ, स्वेट ग्ल्यान्ड। अर्को के छ, सिम्पल ब्रान्च, ब्रान्च ट्युबुलर। यो कहाँ पाइन्छ, यस यो कहाँ पाइन्छ, युरी, युट्रिन अनि ग्यास्ट्रिक। लास्टमा छ कम्पाउन्ड ट्युबुलर। कम्पाउन्ड ट्युबुलर यो कहाँ पाइन्छ, बल्बो यु, बल्बो युथ्रल ग्ल्यान्ड। कुन ग्ल्यान्ड, बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड, कुन ग्ल्यान्ड, बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड। अर्को के छ, लिभर, बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड र लिभर, ठिक छ, बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड र लिभर। यो भयो के, ट्युबुलरको, कसको ट्युबुलरको, कसको ट्युबुलरको। यसपछि यसलाई याद गर्ने तरिका म यता लेखिदिइरहेको छु। यसलाई, यसको टाइप छ पहिला के छ, सिम्पल एसिनर, सिम्पल एसिनर। यो सिम्पल एसिनर कहाँ पाइन्छ, सेमिनल भेसिकलमा, सेमिनल भेसिकल। अर्को के छ हामीसँग, कम्पाउन्ड एसिनर, कम्पाउन्ड एसिनर। यो कहाँ पाइन्छ, सब ल्युङ्गुअल, सब ल्युङ्गुअल अनि सब मेन्डिबुलर। यो कहाँ हुन्छ, यो सेलिब्री ग्ल्यान्डमा। लास्टमा के छ, सिम्पल ब्रान्च एसिनर, सिम्पल ब्रान्च एसिनर, ठिक। यो सिम्पल ब्रान्च एसिनर कहाँ पाइन्छ, सेबेसियस ग्ल्यान्ड, सेबेसियस ग्ल्यान्ड, ओके। कुन ग्ल्यान्ड, सेबेसियस ग्ल्यान्ड, कुन ग्ल्यान्ड, सेबेसियस ग्ल्यान्ड। अब हेर म जस्तै यसलाई याद गर्ने तरिका हो, बियुजिएस बक्स, ठिक, बियुजिएस बक्स। बक्सबाट ब्रान्च, बीबाट ब्रान्च, ठिक, बीबाट ब्रान्च, युबाट, युबाट युटेराइन, जीबाट गेस्टिक, एसबाट सिम्पल, सिम्पल ब्रान्च्ड। कहाँ पाइन्छ,
યુટેરાઇન ર ગેસ્ટ્રિકમાં અને એ તા એરા સિમ્પલ બ્રાન્ચ એસિનરમાં યા એરા એસ લેખે છે ને એસ બી અને એ ઠીક તો સેબેસિયસ સિમ્પલ બ્રાન્ચ એસિનર કાં પાઇન છે સેબેસિયસ ગ્લેન્ડ તૈયો ભયો કે સિમ્પલ સ્ક્વામસ સોરી સિમ્પલ એપિથેલિયમ અબ અમે પડશમ કમ્પાઉન્ડ એપિથેલિયમ એસકો લાગી તી મેરુ લઈ और को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करमला। कंपाउंड एपिथेलियम ओके ताजा को लगे थे गरम।